हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। फ्रॉड अलर्ट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भाई नरेश कुमार आज आपको बताऊंगा कि जो पुराने नोट्स और सिक्कों के रजिस्ट्रेशन के नाम से काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो किस तरीके से फ्रॉड करते हैं और किस तरीके से अपन उससे बच सकते हैं। बिना किसी रजिस्ट्रेशन अपन उनको सेल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि जो टेलीग्राम ग्रुप में उसने ऐड किया था मेरे को, उसके मैंने उस पर फोटो भी डाली थी, उसकी रेट भी फिक्स हो गई थी और उसकी क्या प्रोसेसिंग है वो भी मैं वापस कंपनी को फ़ोन करके अभी इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे को मैसेज मिल चुका है। क्या मैसेज मिला है आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो इससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नोट्स और सिक्के की। देखिए, अभी इस समय अपन को किसी भी साइट से, आज फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन चुके हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेज बन चुके हैं जो पुराने नोट्स और पुराने सिक्के खरीदने का दावा करते हैं और लोगों को बड़ी रकम देने की बात बताते हैं कि 13 लाख दे देते हैं, 15 लाख दे देंगे, वो दे देंगे, इतने दे देंगे। तो होता क्या है दोस्तों, अपन जैसे ही वो अपन एड देखते हैं, वो सेम नोट अपने पास रियल में होता है, क्योंकि वो ऐसे ही नोट की फ़ोटो डालते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास आसानी से मिल सके। तो जैसे ही अपन उसको देखेंगे, तुरंत उसको कॉल करेंगे, नंबर सर्च करके कॉल करते ही अपन को अगला बंदा प्रोसेसिंग बताएगा नोट की। सबसे पहले ये क्लियर है कि वो नोट की फ़ोटो मांगेगा, ठीक है। अब फोटो मांगते ही उसको पता है कि नोट तो यही है, सबके पास है, फिर भी वो फोटो को कहेगा अपन को दोनों तरफ से फोटो भेजिए, क्योंकि अपन को वो इसी स्थिति में ला देगा कि अपन सोचेंगे कि वास्तव में ये खरीदता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ही अपन फोटो भेजते हैं, वो अपन को प्रोसेसिंग बताएगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा, 4 से 5 दिन के अंदर खरीदने वाला अपने घर पे आएगा ये बात बताएगा, साथ में क्या करेगा वो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगेगा अपन से, 1100 से लेके 1000 से लेके 2000 तक कितना भी वो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अपन ने एक बार उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज भेज दिया तो वो उससे रजिस्ट्रेशन चार्ज कतई ही नहीं होने वाला है, दोबारा पैसे मांगेगा, फिर और मांगेगा, मांगता जाएगा अपन से, 8-10 हज़ार रुपये डलवा लेगा और फिर कोई सिक्का नहीं खरीदेगा, कोई नोट नहीं खरीदने वाला है। इसके अलावा अगर वो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं मांगता है तो क्या किया जाता है, देखिए, अपन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ कर लिए सब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपन से किसी को लिंक पे अपन से कोई ओटीपी पूछा जाए तो कतई अपन को ओटीपी नहीं बताएं, अपन नहीं बताना चाहिए। इस तरीके से देखिए, ये पुराने नोट्स और सिक्कों के नाम से काफ़ी लोगों के साथ ठगी हुई है। रोज़ नए नए मैसेज आते हैं, सर इतने रुपये का फ्रॉड हुआ है, इतने रुपये का हुआ है। इसके अलावा जो फ्रॉड से बचने के काफ़ी वीडियो मैंने डाल दिया है अब तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक भेजें ताकि सब इनसे सावधान रहें, इनकी हरकतों को पहचानें, किस तरीके से नए नए तरीक़ों से रोज़ फ्रॉडस्टर फ्रॉड करते हैं। अब अपन बिना देरी किए बात करेंगे जो कल या परसों मैंने वीडियो डाला था, कल नहीं डाला था, परसों डाला था, उसके बारे में। उस वीडियो में मैंने एक बॉयर से बात की है और वो 5 रुपये वाला नोट जो मेरे पास अभी होगा, शायद मैं देख लेता हूँ, हाँ ये 5 रुपये वाला नोट है, इसकी मैंने उसको सारी डिटेल्स भेजी हैं, इसी की फ़ोटो भेजी है। और प्रोसेसिंग में जो बताया था मेरे को, टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया गया है, इसके अलावा उसकी रेट भी बता दी गई है, लेकिन अभी तक किसी खरीदने वाले का कॉल आया नहीं है। तो बाकी सारी प्रोसेसिंग सही है, मैं मानता हूँ कि ग्रुप में भी जोड़ा गया है और पैसे भी बताए गए हैं, इतने रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन जो वास्तव में जो कंपनी के नंबर, जो अपन को फ़ोन आना था, उन्होंने बताया था कि फ़ोन आएगा, वो अभी तक नहीं आया है। तो अपन कंपनी से बात करते हैं, क्या बताते हैं वो, क्या प्रोसेसिंग रही है। राजेश हेलो सर नमस्कार, जी। नमस्कार नमस्कार, मैं अरुण कोइंस कंपनी मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, वो मैंने 2 दिन पहले, कल नहीं परसों के दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नोट भेजा था, एक 5 रुपये का, जिसमें सर मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मेरे को बिना वो मैसेज भी आ चुका है सर, और उसकी प्राइस भी बता दी गई थी मेरे को। लेकिन सर आपने बताया कि
जैसे ही आप 12 घंटे 24 घंटे तक वेट करोगे, तब तक आपका कोई किसी ना किसी कंपनी खरीदने वाले का कॉल आ जाएगा आपके पास। लेकिन अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। बाकी सर सक्सेसफुली भी हो गया मैसेज, प्राइस भी बता ऐसा दी गई है जी, है। जी ऐसा है, आपने उस टेलीग्राम ग्रुप में नंबर अपना नोट का फोटो डाल दिया जी सब कुछ सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है, जैसे आपने बताई थी वैसे हो गई सर, और मैं सेलेक्ट किया, उसके पास अपना डॉक्यूमेंट सेंड किए। सब कुछ भेज दिया सर। अच्छा, मतलब अब यह था कि कंपनी के द्वारा वो रिसीविंग का कॉल नहीं आया आपके पास। जी, वो कब रिसीव होगा, कब पेमेंट लेके आएंगे, वो मैं कॉल नहीं आया अभी अभी तो आपको कितने दिन हो गए उसमें डाले हुए? तक सर। परसों सुबह डाला था, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, आपने तो 12-13 घंटा का ही बताया था। क्या है, तो मतलब देखिए, 2 दिन हो गए आपके मतलब। वो नंबर है क्या आपके पास, जिस आपने जो जिस आईडी पे जिस ईबे नाम के साइट पे डाले होंगे ना आपने? हाँ वो है ना सर मेरे पास। हाँ, तो वो हमें नंबर बताइए, जो नंबर होते हैं उसके सीरियल नंबर। हाँ, जो 9 डिजिट के थे वो, वो जो होते हैं ना ईबे साइट पे, जब आपने नोट अपलोड किया तो वहां पे आपको मिले होंगे ना जी, 1 मिनट सर। वो हमें बताइए बताइए। हाँ लिखिए सर, जी 29 29 64 64 81 81 260 260 जी जी। तो मैं एक मिनट इसको चेक करता हूँ, जी क्या क्या प्रोसेसिंग है वो देखता हूँ। हाँ चेक कीजिए सर, सारी वो प्रोसेसिंग सक्सेसफुली का तो आ चुका है सर मैसेज। वही चेक कर रहा हूँ ना, एक मिनट, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों नहीं है आपके पास सक्सेस होने का, वही चेक कर रहा हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, ये आपका जो नोट था जी उसका प्रोसेसिंग तो कंप्लीट है, लेकिन हाँ हाँ कंपनी से आपके पास मैसेज रिसीव नहीं हुआ। जी उसका कारण ये था कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि बता रही है, क्या तो डॉक्यूमेंट तो सही भेजे थे सर पता वो अपलोड होने में कुछ त्रुटि हो जाए, नाम का कुछ सस्पेंस नहीं है तुम्हारे जी। डॉक्यूमेंट्स नहीं में, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ त्रुटि दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो आप ऐसा कीजिए, जी। जो ईबे नाम का साइट है हाँ उसके ऊपर जो मैंने पहले ही बताया था, अगर 2 दिन के भीतर आपके पास कोई कंपनी से मैसेज रिसीव नहीं हो तो वापस रीकाउंट करके उस पर रीअपलोड करना है। नहीं तो मेरे को मतलब ये है कि वापस डॉक्यूमेंट भेजने हैं, यही ना ना, अभी तो आपको पहले सबसे पहले ईबे नाम की जो साइट है, जी। ईबे नाम की जो साइट है हमारे कंपनी हाँ की, हाँ, उसके ऊपर अपने नोट का फोटो डाला है, वहां पे आपको सीरियल नंबर प्राप्त होंगे। हाँ उसके पास जिस आप वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो ना, जी उसमें वो सीरियल नंबर और नोट का फोटो वापस डालना है। ओके, हाँ, तो ऐसा कीजिए, इसके बाद जो जो प्रोसेसिंग अभी तो चल फिर हो रहा है, जाएगा। जैसे प्राइस आ जाएगा उसके अब बाद जैसे ही मैं दोबारा मतलब मेरे को डॉक्यूमेंट दोबारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वो पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दोबारा करना पड़ेगा, बात ये है। जी, वो पहले वाले नंबर नहीं डालेंगे, नहीं जो इबे वाले वो कोड वो नहीं डलेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा क्या वो कोड नहीं डलेंगे ना पहले वाले। जी? तो नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है अभी आप ईपे पे, आप ईपे डॉट कॉम पे आप अपना जो जो नोट है उसका फोटो अपलोड करोगे ना, हाँ। उसके बाद वहीं पे आपको जो कोड मिलेंगे 9 डिजिट के, वही जी कोड टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। अच्छा वही कोड जोड़ने हैं, ठीक है। तो फिर 2 दिन के अंदर होगा या अभी जल्दी हो जाएगा आप दोबारा नहीं, रजिस्ट्रेशन? वो तो 2 दिन के भीतर भीतर हो जाएगा आपका। चलो ठीक है सर, दोबारा कर लेता हूँ मैं ना। जी हाँ, यही ओके प्रोसेसिंग दोबारा कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली तो हो गया था, लेकिन मेरे को लगता नहीं है वास्तव में सही कर रहे हैं। अगर कह रहे हो तो अपने 2 दिन और वेट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं बता रहे हैं। मैं दोबारा सारा रजिस्ट्रेशन करवा के इसको सारा भेज देता हूँ, और टेलीग्राम में जोड़ दिया था मैसेज, वो सक्सेसफुली का मैसेज भी मेरे पास आ गया था कि सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अभी तक रिसीवर का कॉल नहीं आया कि मैं पेमेंट देऊंगा और वो ऐसा। तो इन्होंने बताया कि कंपनी को दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन वो भेजिए, तो मैं भेज देता हूँ आज, और 2 दिन फिर वेट करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।